अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ देख लिया है, अब आगे भी देखते हैं। आपको यहाँ कई मंदिर है, ये हम लोग को ई रिक्शे वाला बता रहा कि यहाँ 8 मंदिर हैं। तो जो बड़ा वाला मंदिर है उसमें तो हम सुबह जाएंगे, अब इसमें जो और मंदिर है उसमें चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और हेलो भाई, सब बढ़िया है? वेरी थैंक्स भाई। इनका मनोबल देखिए, इतना मनोबल ऊंचा है इनका, और इनकी बातें इतनी मतलब अच्छी हैं कि बस मत पूछिए, मन को देखकर बहुत खुशी मिल रही है। वेरी थैंक्स। चप्पल स्टैंड पे जो मतलब आदमी था उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए इतना शारीरिक रूप से मतलब उसको प्रॉब्लम है, हम और कुछ तो नहीं कहेंगे, पर उसके बावजूद भी उसका मनोबल देखिए इतना ऊंचा है कि वो भीख नहीं मांग रहा है, वो मेहनत कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको पैसे दिए। भाई लड़का जो है, ये मेरा बेटा जो है, बस ये लड़ने में लगा रहता हमसे, इसको लड़ने में पता नहीं कितनी मज़ा आती, दिन मम्मी को बताता रहेगा ऐसे करो वैसे करो, की मम्मी को ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान इसी को है। देखिए सही बताइएगा, ये वाला लिया मैडम, ये वाला लिया, ये कितने का है? ये 650 रुपए का, ये 450, ये 650 का, ये 450 का है। देने वाला बात बताइए, क्या नाम है? ये पूरा गेट बना हुआ है, जाने नहीं देता यहाँ? अरे ऐसे वो नहीं होता है। ये कर्मा टेम्पल है, देखिए काफी खूबसूरत बना हुआ है, इसको भी हम लोग देखने आए हुए हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। कर्मा टेम्पल 2 छत्ती में बना हुआ है इस तरह से, और दूसरे तरफ भी ये शेर बना हुआ है, देखिए शेर की आकृति जैसा। अब अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, अगर फोटो खींचने को मिला तो दिखाएंगे। मंदिर के ऊपर जो ये मेढ़ाड़ी बनती है, इसको चौखट बोलते हैं कुछ जगह पर, ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइनदार बनी हुई है ये, ये देखिए छत पे भी कितनी अच्छी अच्छी डिजाइनें बनी हुई हैं, देखिए दीवार पर भी बहुत अच्छी कलाकृतियां सब बनी हुई हैं, जैसे लग रहा भगवान नरसिंह अवतार का ही स्वरूप इसमें लग रहा है। अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, काफी शांति है, और कहीं भी यहाँ लाइट नहीं अभी जली है, इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आप लोगों को भी लग रहा होगा। ये देखिए जूम करके हम आप लोगों को दिखाते हैं, दरवाजे पे देखिए कितनी अच्छी नकाशी हुई है, और इसके बाद देखिए दरवाजे पे ये 2 जो है हाथी के सूंड टाइप का बना हुआ है, नीचे इस तरह से बना है, सूंड नहीं है, ड्रैगन है, ड्रैगन बना हुआ है, ड्रैगन बना हुआ, ड्रैगन बना हुआ है, देखिए काफी अच्छी नकाशी, और नीचे इस तरह से इसमें है। हमें लग रहा है ये दरवाजा खींच के बंद करने के लिए मेरे ख्याल से बना है, अब खटखटाने के लिए। दोनों दरवाजे पे ड्रैगन बना हुआ है, ये देखिए एक ये बना हुआ है, एक उधर बना हुआ है, 2 छत्ती टाइप में बना है मंदिर, ऊपर देखिए इस तरह से है, काफी खूबसूरत मंदिर है, साफ सुथरा शांति। इसमें भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है अंदर,
अब हम लोग चल रही है दूसरा मंदिर देखने के लिए, तो फिर बात कर लो ना, तो गेट पे है तो बात कर लो, ले लेगा वो तो ले लिया तब क्या दिक्कत है, दिक्कत तो श्रुति क्या रखवा दो ना, बोल दो उससे वो चला गया। जापानी मंदिर में 5 बजे यहाँ सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मंदिर में दर्शन करने निकलना। दिन में इतनी तेज से धूप थी कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, अब निकले हैं तो फटाफट फटाफट दर्शन कर लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा शांत वातावरण है। एक विशाल पीपल का पेड़ है, देखिए पीपल का उधर भी है। ये गेट है, बंदर जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बना हुआ, जिस तरह से जापान में मंदिर बनते हैं उसी प्रकार से बना हुआ है। देखिए लकड़ी का इसमें काफ़ी काम, लकड़ी का ही सब दिख रहा है हमको काम। ये तरफ से एक ही डिजाइन का बना हुआ है मंदिर, और इसमें तीन तरफ से दरवाजे हैं, पीछे की तरफ दरवाजा नहीं है, एक तो सामने से जिससे सबको आने देते हैं और पीछे परिक्रमा लगा लेते हैं। और इसमें तीन तरफ से दरवाजे हैं, दो तरफ के दरवाजों से केवल आपको दर्शन करने को मिलेगा और सामने के दरवाजे से अंदर जाने को मिलेगा। और मंदिर के अंदर बिल्कुल भी बात करना मना था, इसलिए हमने वीडियो बनाते समय कोई भी वॉइस नहीं डाली है। एकदम शांत मंदिर था, हमने भी शांति बनाए रखा वहाँ पर, काफ़ी शांति है, बहुत अच्छा मंदिर है। सामने भी ये मंदिर बना हुआ है, बड़ा सा घंटा लगा है, पर वहाँ जाने का जगह नहीं है, जाने नहीं दिया जाता है। पहले हम एक बार आए थे जब जाने दिया था, अब हम देख रहे हैं वहाँ जाने का रास्ता बंद कर दिया। और छोटा सा पार्क भी है बच्चों के खेलने के लिए, झूले वगैरह हैं, पर जाने नहीं देते हैं पता नहीं क्यों। इस मंदिर के अंदर बोलना बिल्कुल मना है, लिखा था कृपया शांत रहें, इसलिए हमने वीडियो बनाते समय कोई भी अपनी वॉइस नहीं डाली है। ये देखिए पूरा लकड़ी का काम है, जितना भी इसमें छत है और दीवारें हैं जो भी काम है सारा कुछ लकड़ी से ही करा हुआ काम है, पूरा लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। जब कभी आप लोगों को समय मिले तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर आइएगा, इसको देखिएगा, मंदिर बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मंदिर के अंदर कुछ भी जरा सी भी आवाज़ नहीं हो रही थी और हमको तो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, देखिए यहाँ पे इस रोड जो है इस तरह से बनी हुई है, बड़ी चलने में दिक्कत हो रही है, कंकड़। ये देखिए सामने भी एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है, सबको नहीं जाने देते। ये दी रॉयल भूटानीज मॉनेस्ट्री बोध गया बिहार मंदिर है, इसमें भी हम लोग चल दिए। हाँ अरे ऐसा तो नॉर्मली मिल जाती है। आम के देखो, पेड़ देखो, आम का छोटा-छोटा टुकड़ा, आम देखो कितने छोटे-छोटे निकले हैं, आम देखो। चलो बेबी फोन कर रहे हैं ना, हम माता जी के साथ इनको क्या घुमा रहे हैं। अच्छा बनाना, हमें YouTube पे डालना है। हाँ भाई चलो रख रहे हैं ना भाई।
इस मंदिर के अंदर भी बहुत शांति थी और बोलना बिल्कुल मना था। अब फटाफट से हम परिक्रमा लगा ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर जगह परिक्रमा लगाना जो है बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लगा ले रहे हैं। ये भी देखिए मूर्ति बनी हुई है, दीवालों पे बड़ी अच्छी अच्छी नक्काशी, मूर्ति मंदिर के अंदर दीवालों पे, छतों पे इतनी अच्छी सजावट, मतलब पेंटिंग्स किया गया है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। फटाफट से इस मंदिर की भी हम परिक्रमा लगा ले रहे हैं। इस मंदिर के भी तीन दीवार पे अलग अलग आकार की मूर्तियां बनी हुई हैं। उसमें देखिए वो मूर्ति बनी थी, अब इसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार की मूर्ति बनी हुई है, ये देखिए नीचे से देखिए इस प्रकार की, सब में अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं। अंदर हर जगह भगवान की ध्यान मुद्रा में ही मूर्ति है, और बाहर अलग अलग बनी हुई हैं मूर्तियाँ। यहाँ पर देखिए ये मूर्ति बनी हुई है, देखा आप लोगों ने। देखिए काफ़ी हरियाली है, शांति है, कितनी शांति है, सबसे बड़ी बात तो शांति बहुत है जो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थक गए, देखिए बैठ गए। आप लोगों को अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।